महेंद्रगढ़ जिले के अटैली कस्बे के अंतर्गत आने वाले गांव फतेहपुर में जलघर में डूबने से एक ही परिवार के दो मासूम बच्चों की मौत हो गई। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार गांव फतेहपुर का नितिन और लोकेश जलघर के पास खेत में काम करने के लिए गए थे। उसके बाद वो जलघर पहुंच गए जहां पानी अधिक होने के कारण दोनों डूब गए। जब इसकी जानकारी ग्रामीणों को लगी तो मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई और इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद डायल 112 की गाड़ी मौके पर पहुंचे। उसके बाद गोताखोरों की टीम मौके पर बुलाई गई और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। मौके पर जिला प्रशासन की ओर से नायब तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे। गोताखोरों की टीम ने जलघर में सर्च अभियान चलाया, जिसके बाद दोनों बच्चों के शव जलघर से बरामद किए गए। मृतक बच्चों की पहचान गांव फतेहपुर निवासी 14 वर्षीय नितिन पुत्र सतीश और 15 वर्षीय लोकेश पुत्र सुनील के तौर पर हुई है। ये दोनों बच्चे एक ही परिवार के रहने वाले थे और अक्सर साथ रहा करते थे। एक ही परिवार के दो बच्चों की मौत से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। बहरहाल पुलिस के द्वारा दोनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए नारनौल के नागरिक अस्पताल भेज दिया गया है और पुलिस आगामी कार्रवाई में जुटी हुई है।